हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1 और हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में पढ़ रहे हैं जूल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, जूल एक्सपेरिमेंट क्या होता है आज हम बात करेंगे जूल एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले हमने एक बनाया, ये हमने एक तरह से एग्जांपल के तौर पे ले लिया जूल एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। हमने क्या किया कि हमारे पास क्या है, एक रिजर्वायर है, यानी कि एक हमारे पास आइसोलेटेड, ठीक है, एक हमारे पास क्या है टैंक है, हमारे पास रिजर्वायर है, यानी कि कोई भी मान लीजिए जिसके अंदर हमें क्या वाटर को स्टोर किया हुआ है। ये हमने क्या किया हुआ है, ये हमारा क्या है वाटर स्टोर है। हमने एक पुली लगा दी, पुली को क्या कर दिया वेट से अटैच कर दिया। पुली क्या करेगी, पुली हमारे इस पैडल व्हील को क्या कराएगी रोटेट करवाएगी। और साथ में हमने लगा दिया टेम्परेचर चेक करने के लिए, वाटर का लेवल चेक करने के लिए थर्मामीटर को। ठीक है, तो अब हम करते हैं जूल एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये तो हमारे लिए क्या बना, ये तो हमारा एक तरह से अपरेटस मान लो, यानी कि एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं जूल एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये हमारा वेट है, ये पुली है, पुली ये हमने यूज किया थर्मामीटर, ये हमारा क्या है पैडल व्हील, जो क्या करेगा वाटर के अंदर जब हम पुली की सहायता से खींचेंगे तो ये वाटर के अंदर क्या करेगा रोटेट करेगा व्हील, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो क्या होगा अप डाउन होगा। ठीक है, वाटर है। तो अब हम शुरू करते हैं जूल एक्सपेरिमेंट के अंदर की जूल एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है, जूल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नॉन मास ऑफ वाटर, कि हमारा जो जूल एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर क्या होता है एक नॉन मास ऑफ वाटर, यानी कि वाटर होता है उसका मास होता है कंटेन इन ए इंसुलेटेड वेसल, कि एक इंसुलेटेड ही हमारा क्या है इंसुलेटेड वेसल है, वेसल के अंदर नॉन मास वेट है, यानी कि हमें पता है कि वो कितना वाटर है। ठीक है, हमें मास पता है वाटर का कि कितना है। उसके बाद क्या है थर्मामीटर, और हम इसमें यूज करते हैं थर्मामीटर का पेडल व्हील का। फर्स्ट लाइन में आपको क्या बताया गया है कि जूल मास के अंदर जूल एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने से पहले हमारे पास क्या होता है नॉन मास वाटर, हमारे पास क्या होगा नॉन मास वाटर होगा। इसके अलावा हम इसके अंदर और किसका यूज करेंगे, वो नॉन मास वाटर किसके अंदर होगा, वो होगा इंसुलेटेड वेसल के अंदर। ये हमारी पूरी वेसल है, ये कौन सी है इंसुलेटेड वेसल, इंसुलेटेड वेसल के अंदर। ठीक है, इंसुलेटेड वेसल होगी, उस वेसल के अंदर नॉन मास वाटर होगा हमारे पास। इसके अलावा और हमारे जूल एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास और क्या होना चाहिए, इसके अलावा होगा थर्मामीटर, थर्मोमीटर, और क्या होगा पैडल व्हील, पैडल व्हील, थर्मामीटर होगा, पैडल व्हील होगा। ठीक है, तो ये हमारे पहले तो क्या है एलिमेंट्स हैं जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे जूल एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करेंगे उसके अंदर, कि नॉन मास होगा वाटर का वो कहां पे होगा इंसुलेटेड वेसल के अंदर होगा, इसके अंदर एक हम थर्मामीटर का यूज करेंगे और एक यूज करेंगे पैडल व्हील पुली का। ठीक है, पैडल व्हील बोल सकते हैं और पुली का यूज करेंगे, वेट होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, द वाटर इज स्टेड बाय पैडल व्हील, कि जो वाटर है जब पैडल व्हील घूमेगा, पैडल व्हील की सहायता से क्या होगा वाटर जो हमारा है वो सेटल करेगा। वाटर क्या करेगा STIRRED, इसका मतलब है यानी कि ऊपर नीचे होगा, यानी कि वो क्या होगा इसमें फ्लॉप आएगा, यानी कि वेट की वजह से क्या होगा ऊपर नीचे। ठीक है, क्या होगा वाटर होगा। इसके अलावा विच इज एक्टिवेटेड बाय सिस्टम ऑफ फॉलिंग वेट, और जिसको हम पता कैसे करेंगे कि हमारा जो वाटर है वो स्टेटेड हो रहा है पैडल व्हील की सहायता से, वो हम पता कैसे लगेगा वो वेट फॉलिंग की वजह से, कि कितना वेट हमारा नीचे डाउन जा रहा है अप जा रहा है, क्योंकि पुली होगा, पुली से हम वेट लगाएंगे तो वो पैडल व्हील हमारा घूमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा वाटर अप डाउन होगा, वाटर क्या होगा अप डाउन होगा, और थर्मामीटर में हमारा उसका टेम्परेचर आ जाएगा, यानी वो लेवल आ जाएगा कि कहां तक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसके अंदर हम क्या मान लेते हैं एक जैसे, ठीक है इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक वर्क है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये तो हमने कंपोनेंट्स बात की, अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं, कि मान लीजिए हमारे पास क्या है इस तरह से, ठीक है ये इस तरह से बन गया कि वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क हो रहा है और वर्क होने से पहले की पोजीशन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, इस तरफ से हो रहा है कि पहले जब है तो हीट होगा वर्क होगा वर्क 1 2 और साथ में हो जाएगा हीट क्यू 2 1। ठीक है, ये भी हमारा डायग्राम आ जाएगा जूल एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट
इस सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क हम क्या मान लेंगे, लेट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, हम क्या करेंगे वर्क की अमाउंट को मान लेंगे, यानी कि हम मान लेंगे वर्क 1 2 कि हमारी प्रोसेस के अंदर वर्क हो रहा है एक से लेके एक सिस्टम एक पार्ट से लेके दूसरी तक हमारे अंदर क्या हो रहा है वर्क हो रहा है। इज डन पैडल व्हील, जो कौन कर रहा है पैडल व्हील से, मान लीजिए हमारा वाटर है, वाटर का लेवल यहाँ पे था, लेकिन पैडल व्हील जब मूवमेंट करेगा तो वो वाटर लेवल आ जाएगा यानी कि यहाँ पे 2 पे, तो वर्क हो रहा है, इसकी वजह से वर्क हो रहा है, पैडल व्हील की वजह से वर्क हो रहा है। उसके बाद हमने क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ वर्क कैन बी मेजर्ड बाय द फॉल ऑफ वेट, और जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है यानी कि कितना वर्क हुआ है, उस वर्क को मेजर करने के लिए हम वो मेजर हम कैसे करेंगे, वो मेजर करेंगे कि हमारा वेट कितना फॉल हो रहा है, हमारा वेट कितना नीचे जा रहा है, उस वेट से हम चेक कर पाएंगे कि हमारा एक से यहां से लेके यहां तक वर्क कितना हुआ है। फिर से देख लो कि हमने माना कि हमारा वर्क हो रहा है एक से लेके 2 तक, हमारा वर्क हो रहा है यहां से लेके यहां तक वर्क हो रहा है, वो वर्क किसकी सहायता से हो रहा है, वो वर्क हो रहा है पैडल व्हील की सहायता से, पैडल व्हील वाटर के अंदर चलेगा तो उसकी वजह से वर्क होगा। और वर्क को मेजर कैसे करेंगे, वर्क को मेजर करेंगे फॉल ऑफ वेट की सहायता से, कि कितना वेट फॉल हो रहा है उस हिसाब से हम वर्क क्वांटिटी को क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम मान लेंगे कि लेट इनिशियल टेम्परेचर, कि जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर कि हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर होगा यहाँ पे, जब वर्क नहीं हो रहा, जब किसी भी प्रकार का वर्क नहीं हो रहा तो उस दौरान हमारा टेम्परेचर यानी जो थर्मामीटर में हमारा टेम्परेचर होगा इनिशियल स्टार्टिंग टेम्परेचर वो होगा क्या T1। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यू टू वर्क टेम्परेचर ऑफ वाटर सिस्टम राइज टू T, हमारा क्या होगा राइज हो जाएगा टेम्परेचर, राइज टेम्परेचर T2 ड्यू टू वर्क, वर्क की वजह से क्या होगा हमारा टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा राइज होगा। एक बार फिर से देखो, हमने क्या बोला, हमारा सिंपल हमने मान लिया कि वर्क हो रहा है प्रोसेस के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा वर्क हो रहा है 1 से लेकर 2 तक, वर्क को किसकी सहायता से हो रहा है पैडल व्हील की सहायता से हो रहा है, और इस वर्क को मेजर करने के लिए हम किसका यूज, हम कैसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं फॉल ऑफ वेट की सहायता से, कितना वेट हमारा फॉल हो रहा है। उसके बाद हमने बात की कि ये तो हमने वर्क को मान लिया कि लेट वर्क कितना हो रहा है, अब हम करेंगे कि लेट टेम्परेचर, कि जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है जूल एक्सपेरिमेंट के अंदर वो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है T1, लेकिन जब वर्क होगा यानी कि ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जब वर्क होगा तो उस दौरान टेम्परेचर हमारा राइज हो जाएगा और टेम्परेचर हमारा पहुंच जाएगा T2 पे, टेम्परेचर हमारा कितना आ जाएगा T2 पे। ठीक है, T2 पे। उसके बाद क्या होगा, लेट द इंसुलेशन ऑफ वेसल इज रिमूव्ड, उसके बाद क्या करेंगे, जो इंसुलेशन है यानी कि ये वाला जो चीज है इसको हम रिमूव कर देंगे, हमारा वेसल है आपको बताया था हमने इंसुलेशन वेसल का यूज किया है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इंसुलेशन वेसल का ये इंसुलेशन है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हम क्या करेंगे इंसुलेशन को रिमूव कर देंगे, एंड नाउ द सिस्टम विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग हीट टू द सराउंडिंग। उसके बाद क्या होगा, जब हम इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर ना तो हीट का ना वर्क का कोई भी ट्रांसफर ना हो, लेकिन जब हम इंसुलेशन को हटा देंगे यानी कि रिमूव कर देंगे हमारे वेसल के ऊपर से, तो क्या होगा, जो भी हीट होगी, जो भी वर्क होगा, हीट होगी, वो ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। कहां पे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी सराउंडिंग में, जो भी हमारी हीट है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है, सराउंडिंग के, और टेम्परेचर हमारा T2 तक पहुंचा था, वो टेम्परेचर वापिस आ जाएगा T1 पे, वो टेम्परेचर हमारा वापिस कहां पे आ जाएगा, T1 पे टेम्परेचर आ जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी प्रकार द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर Q2 T1 से T1, इसी प्रकार हीट का ट्रांसफर भी होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बात की कि हमने जूल एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि हमने इसके अंदर वर्क मान, सबसे पहले तो हमने इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट है उसके बारे में बात की कि हमारे पास वेट है, पुली है, पैडल व्हील है, वाटर है, इंसुलेटेड वेसल है और थर्मामीटर है। फिर हमने क्या कि लेट, हमने मान लिया कि हमारा वर्क हो रहा है 1 से लेकर 2 तक, हमारा क्या हो रहा है वर्क हो रहा है, और वो वर्क किसकी वजह से हो रहा है, वो वर्क हो रहा है पैडल व्हील की वजह से,
वर्क किसकी वजह से हो रहा है, पेडल व्हील की वजह से, और वर्क की क्वांटिटी की कितना वर्क हो रहा है उसको मेजर कर कैसे करते हैं, उसको मेजर करते हैं फॉल ऑफ वेट की सहायता से, कितना वेट हमारा फॉल हो रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर हमने मान लिया जैसे हमने माना था वर्क, उसी प्रकार हमने इसमें मान लिया कि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है T1। इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1। लेकिन जब वर्क होगा सिस्टम के अंदर, इंसुलेशन सिस्टम के अंदर जब वर्क होगा तो टेम्परेचर हमारा राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज होने की वजह से पहुंच जाएगा टी टू पे, पहले टी वन था लेकिन जब टेम्परेचर राइज हुआ वर्क की वजह से तो वो पहुंच गया टी टू पे। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा वर्क, हो गया टी वन टी टू तक पहुंचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इंसुलेशन सिस्टम है यानी कि ये हमारी इंसुलेशन वेसल है, यहां से हम इंसुलेशन को हटा देंगे यानी कि अकेली वेसल कर देंगे, इंसुलेटेड सिस्टम को हटाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारी हीट है वो क्या होगी, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। कहां पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी सराउंडिंग में, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी सराउंडिंग में, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर हमारा राइज हुआ था यानी कि टी टू पे पहुंच गया था, वो टेम्परेचर वापिस आना शुरू हो जाएगा टी वन पे। टेम्परेचर यानी कि जब हम इंसुलेशन सिस्टम को हटा देंगे, रिमूव करेंगे, तो टेम्परेचर टी टू से वापिस आ जाएगा टी वन पे। टेम्परेचर हमारा क्या आ जाएगा, टी टू से टी वन पे। और इस कंडीशन को हम बोल देते हैं थर्मल इक्विलियम, और इस कंडीशन को पूरी को क्या बोलते हैं हम, थर्मल इक्विलियम, यानी कि जिस सिस्टम में गया था उसी पे वो वापिस आ गया, वो हमारी क्या बन जाती है, थर्मल इक्विलियम। इसी प्रकार हीट का ट्रांसफर हो जाता है यानी कि टू से वन, जैसे पहले वन से टू की तरफ थी, फिर हीट शुरू हो जाएगी टू से वन की तरफ वापिस आनी। तो ये हमारा था जूल एक्सपेरिमेंट। तो ये हमने बात की जूल एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आपको बताया था कि हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में बात की थी। हमने इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में अब हम जूल एक्सपेरिमेंट के बाद बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा टॉपिक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड, ठीक है, टी एच आई आर डी, थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो। मतलब कि थर्ड लॉ हमें बता रहा है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा जीरो है, अगर हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो है तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। थर्ड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज जीरो देन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज आल्सो जीरो। कि अगर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो है तो उसकी वजह से जो हमारी एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो भी क्या होगी, जीरो होगी। एंट्रोपी आपको बताया था, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होती है ट्रांसफॉर्मेशन। एंट्रोपी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि कितनी क्वांटिटी हमारी हीट की ट्रांसफर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर। ठीक है, एंट्रोपी। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट एंड एब्सोल्यूट, दैट एब्सोल्यूट, दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, द
एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज जीरो. दिस लॉ स्टेट्स दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी क्या होगी, जीरो होगी. हमारी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो जीरो होगी. कब जीरो होगी, जब हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी क्या है, जीरो है, तो एंट्रोपी भी हमारी क्या होगी, जीरो होगी. जीरो एंट्रोपी मींस एब्सेंस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं है, एटॉमिक नहीं है, न्यूक्लियर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसऑर्डर्स कुछ भी नहीं है. ठीक है, जीरो एंट्रोपी का मतलब क्या है, यहां पे जो हमने बात की है ना कि अगर हमारा एब्सोल्यूट टेंपरेचर जीरो है तो एंट्रोपी जीरो होगी, तो जीरो एंट्रोपी का मतलब है, जीरो एंट्रोपी का मतलब है एब्सेंस ऑफ, क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर्स. ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर, जितने भी हमारे, अगर जीरो एंट्रोपी मतलब उसके अंदर ना तो किसी प्रकार के मॉलिक्यूलर्स होंगे, ना उसके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डिसऑर्डर कुछ भी नहीं होगा, उसका मतलब होगा जीरो एंट्रोपी. ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, जीरो एंट्रोपी. ठीक है, तो ये हमने बात की थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. ठीक है, तो ये हमने शुरू किया था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. तो हमने अभी तक, आज जहां पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, यूनिट अपनी फोर्थ यूनिट कंप्लीट होती है, तो इस यूनिट में हमने अभी तक काफी टॉपिक्स के बारे में चर्चा की. हमने सबसे पहले बात की थी हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. हमने इसके अंदर बात की हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बात की. उसके बाद जो भी हमारी एप्लीकेशंस थी थर्मोडायनेमिक्स की नॉन फ्लो सिस्टम की, हमने बात की थी इस चैप्टर में नॉन फ्लो सिस्टम की एप्लीकेशंस के बारे में और फ्लो स्टडी एप्लीकेशंस के बारे में. हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वॉल्यूम प्रोसेस, टेम्परेचर प्रोसेस की बात की, एडियाबेटिक की बात की. इसके अलावा हमने इसके अंदर जो हमारी स्टडी फ्लो इक्वेशन के अंदर आती थी, जैसे टर्बाइन क्या होती है, ठीक है, टर्बाइन क्या होती है, नोजल क्या होती है, पंप क्या होता है, कंप्रेसर क्या होते हैं, इवेपोरेटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में बात की. ठीक है, और आज हमने जो टॉपिक किया, हमने टॉपिक किया जूल एक्सपेरिमेंट और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तीन लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि आइडियल और रियल गैसेस के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम शुरू करेंगे तो हम बात करेंगे हमारी फिफ्थ यूनिट, यानी कि आइडियल और रियल गैसेस कौन सी होती है, पीवीटी डायग्राम क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये सब टॉपिक पे चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए इतना काफी.